वो देखो रो रहा है, देखो देखो देख सकते हैं एक्सीडेंट, देख सकते हैं ये पूरा घुस चुका है अंदर। मुश्किल हो जाएगा फिर, अभी क्लिक करेंगे सब कुछ और लेके जाएगा अभी पैसा। देख सकते हैं एयर कितना हैवी दिख रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आज मेरी ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं ड्यूटी, ठीक है। अभी 5 बजा हुआ है, मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल अभी वो जाला ही नहीं हुआ, अभी सुबह हुई ही नहीं, अभी 5 बज रहा है, अभी फजर का अजान हुआ है। कितना सुबह उठ के जाते हैं ड्यूटी करने के लिए। तो ये देख सकते हैं मेरे सामने 5:25 हो रहा है अभी, और आज ना टेम्परेचर भी काफ़ी लो है। आज बस से जाना है, बस से चलेंगे और आपको चल के दिखा भी रहे हैं बस। ये देखो हमारी बस के सामने बस है, सुबह सुबह बिल्कुल अंधेरा है, एकदम कुछ दिख नहीं रहा है, एकदम बिल्कुल अंधेरा है। सो अभी निकल रहे हैं। गाइस जितनी गाड़ियाँ देख रहे हैं ना रोड पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मलिक फहद है, कितना जामा लगा हुआ है। अभी 6 भी नहीं बजा हुआ है, देख सकते हैं कितना जामा लगा हुआ है। ये सब जितनी गाड़ियाँ हैं ना, ये सब ड्यूटी वाले हैं, ये सब सुबह ड्यूटी वाले हैं। देख सकते हैं आप मलिक फहद पे कितना जामा लगा हुआ है, कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। कोई सिग्नल नहीं है लेकिन फिर भी देखो ट्रैफिक लगा हुआ है। नाश्ता करने के लिए हम लोग इधर मार्केट में आए, तो देखते हैं क्या लेते हैं। एक ब्लैक लेते हैं, आज ब्लैक पीना है। स्पार्क है। हाँ साहिद भाई, तो साहिद भाई सोच रहे हैं क्या लेना है, और सैंडविच इधर है, तो देख सकते हैं साहिद भाई क्या लिए मालूम है। ये बच्चों को खाने वाला सुबह सुबह, तो अपना नाश्ता ये हो गया। एक सॉफ्ट ड्रिंक टाइप का है, स्पार्क सैंडविच टाइप का ये है, मस्त है ये, तो इसी से नाश्ता करेंगे। सो गाइस अभी हम लोग का ब्रेक हुआ था, अभी खाना वाना खा के मस्त आराम से रेस्ट कर रहे थे, और अभी टाइम भी हो गया है तो अभी चले साइड पे, और कुछ RFI है तो उसको देखते हैं क्या होता है उधर, कैसा हुआ है। अच्छा होगा तो अप्रूव करेगा, कुछ होगा तो कमेंट देगा, देखते हैं क्या होता है। चलो चलते हैं साइड पे। तो गाइस आपको एक चीज दिखाते हैं, गए थे साहिद भाई मार्केट में जाके कपड़ा लेके आए, मस्त पहन के चमक रहे हैं। ये देखेंगे, ये देख लीजिए कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर साहिद भाई, ग्रीन। हाँ साहिद ग्रीन, ये ग्रीन कलर का लेके आए साहिद भाई, काफी चमक रहा है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। सो गाइस अभी मालूम है साहिद भाई के मैसेज पे एक लोकल नंबर से एक लिंक आया है, और अच्छा हुआ मेरे को दिखा रही है अभी, तो मैं उनको रोक दिया उन्हें, तो अभी क्लिक करेंगे क्या पता चला मोबाइल के अंदर सारा अकाउंट है इनका, पूरा यहाँ का सऊदी का पूरा अकाउंट है इसके अंदर, तो अभी पैसा वैसा चला जाता, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए bit.ly/bit.ly/riyad, क्या है कोई लोकल, ये देख सकते हैं कोई भेजा हुआ है मैसेज, ठीक है। अगर इस पे अभी क्लिक करेंगे ना तो सीधा जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा फिर, अभी क्लिक करेंगे सब कुछ और लेके जाएगा अभी पैसा। ये देख सकते हैं ये राइट नाउ अभी आया है, 12:52 हो रहा है, जस्ट अभी आया है, ठीक है, नहीं 10 मिनट पहले आया है, 15 मिनट, ये देख सकते हैं 12 मिनट पहले ये मैसेज आया है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई मैसेज आता है लोकल, अगर कोई ऐसा मैसेज आता है आपके पास लोकल ऐसे करके, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया हूँ, अगर कोई ऐसा मैसेज आता है तो कभी जिंदगी में क्लिक नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो गाइस जैसा कि देख सकते हैं इधर यहाँ पे काफी सारी खुदाई हुई है, हम लोग पाइप खोज रहे थे, पाइप ही नहीं मिल रहा है, ये देखो सुबह से, ये देखो यहाँ सुबह से कितना ये लोग खोदे, बहुत मेहनत किए, देखो ये पूरा खुदाई हुआ बेचारे, सुबह से कितना मेहनत किए। यहाँ पे हम लोग क्या हुआ ना, ये इधर हम लोग पाइपिंग करके रखे थे, तो अभी क्या हुआ कि पाइप मालूम नहीं किधर गया, तो देखो कितना मेहनत करना पड़ा दो पाइप के लिए, देखो ओह माय गॉड बहुत मेहनत करना पड़ा। अभी देखो जैसे कि और देखो नीचे हम लोग खोद के, वो लोग उधर वो देख रहे हो उधर वहाँ पे खोद के रखे हुए, क्योंकि वहाँ पे कुछ लाइट लगनी है उधर आगे ना, कुछ लाइट लगनी है तो इसके लिए खोदना पड़ा। तो गाइस देख सकते हैं ये किरान है, इससे बड़ा बड़ा सामान उठाया जाता है, ये काफी बड़ा किरान है, इससे ये पत्थर है ना, ये पत्थर को उठाता है, और ये पत्थर इससे डिजाइन के लिए आया हुआ है, तो ये पत्थर ना उठा के वो रखता है उधर। सो गाइस अभी मेरी छुट्टी हो गई थी, अभी आ गया हूँ रूम पे, यहाँ पे अभी खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है, तो अभी खाना खाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं। आज मन कर रहा था ब्रोस्टेड खाने का, तो ये हुआ कि क्लास आज ब्रोस्टेड ही खाएंगे, तो चला आया सीधा इधर, अभी ब्रोस्टेड खा कर फिर निकलते हैं।
सो इसको हम्मस बोलते हैं, ये हम्मस दिया है और ये गार्लिक है और ये कच्चा पे दो दिया और ये हो गया ब्रोस्टर अपना, ये रोटी वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी हमारा ये ब्लॉग का ये आज दूसरा दिन है और आज हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, पावर चेक कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, पावर सॉकेट आउटलेट है उस पर चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, इसे खोल के इसमें चेक करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, वो मल्टीमीटर उधर मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे 220 आ रहा है कि नहीं। सो गाइस अभी जैसा कि देख सकते हैं लाइव करंट चेक कर रहे हैं हम लोग, पावर नहीं आया अभी, 34 नंबर LPP 34। और ये गाइस ना ये किचन है, ठीक है, ये किचन है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो अभी क्लीन हुआ है, अभी उतना क्लीन नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये जैसे कि देख सकते हैं ये ओवन टाइप का है, ये कितना भारी भारी है देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत बेस्ट क्वालिटी का ये सब आया हुआ है, सब देख रहे हैं, सब ब्रोस्टेड पकाने के लिए क्या क्या करने के लिए सब देख रहे हैं, मेरे को खुद नहीं पता है कि ये सब है किस चीज़ का, इसमें काफ़ी ज़्यादा मशीन है, इतनी सारी मशीनरी लगा के रखा है, मेरे को तो खुद पता ही नहीं कि किस किस चीज़ का ये मशीनरी है। जैसे कि देख सकते हैं ये कितना बड़ा, ये मेरे ख्याल से लगता है रोटी वोटी पकाने वाला, ये देख सकते हैं गाइस ये देखो कितना बड़ा है। और एक ये है, ये क्या है, इस पर लिखा हुआ है रीड द इंस्टॉलेशन मैनुअल, मालूम नहीं क्या है, ठीक है गाइस, तो ये देख सकते हैं ये सब कितना एक्सपेंसिव ये सब सामान है। और ये है, इसमें ये ब्रोस्टेड पकाने वाला है, आई एम श्योर ये ब्रोस्टेड पकाने वाला है, ये ओवन टाइप का है, तो देख सकते हैं ये चूल्हा रहेगा, ये जलेगा, ऐसा ऐसा तीन है बड़ा। और आपको एक और दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा चूल्हा है, देख सकते हैं इस पे है ना, सो गाइस ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काफी हैवी सारी मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे सिर्फ कुकिंग के लिए। सो गाइस आपको एक चीज और दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये 3 फेज का कनेक्शन है, देख सकते हैं, और ये कितना हैवी दिख रहा है ना, कोई आदमी से अगर किसी बंदे को बोलेंगे निकालो इसको, ये नहीं निकालेगा, किसी बंदे को बोलेंगे लगाओ ये नहीं लगा पाएगा, देखो इसको यहाँ पे लगाना है, ये इधर ये यहाँ पे लगेगा। अभी हम लोग पावर चालू किए हैं, अभी सब कुछ लगा के टेस्टिंग करेंगे, लेकिन अभी मशीन नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम लोग मल्टीमीटर से लगा के टेस्ट कर रहे हैं कि पावर परफेक्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सब काफ़ी एक्सपेंसिव है, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं हम लोग कैसे टेस्टिंग करते हैं, देख लीजिए पावर आ गया अभी, ठीक है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे 225, ठीक है, सो ये अभी परफेक्ट काम कर रहा है, हो गया चेकिंग। सो गाइस आपको एक कोल्ड रूम दिखाता हूँ, सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं ये कोल्ड रूम बना हुआ है, मस्त है, इसमें जो तलाजे वाला जो सामान रहेगा, जो फ्रिज वाला रेफ्रिजरेटर वाला, वो यहाँ पे रखा जाएगा, और देख सकते हैं काफ़ी मस्त बना हुआ है कोल्ड रूम है, काफ़ी बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कोल्ड रूम है। और ये जो बड़ी बड़ी जो सॉकेट है ना, ये इसको लगाने के लिए, ये देखो बंदा एक दफ़ा लगाने के लिए सोचेगा, लगाने निकालने के लिए, ठीक है, तो इसका स्विच किधर हम लोग दिए, देखो यहाँ पे है 6 है, 6 उसका ये सेफ्टी स्विच है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है गाइस। और ये वाटर प्रूफ ये लाइट का स्विच है ना गाइस। और यहाँ पे ये किचन है ना, ये सब जितना भी सॉकेट आउटलेट लगा हुआ है ना, ये सब वाटर प्रूफ है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये वेट एरिया है ना इसके लिए। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अभी अपना हमारा जो पैनल है ना, पैनल के अंदर दिखाता हूँ कैसे टर्मिनेशन होगा, ठीक है गाइस, तो चलो दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये हमारा पैनल है, ये इलेक्ट्रिकल रूम है ये बिल्डिंग का, तो ये कनेक्शन हुआ साहब, ये देखिए इसका ब्रेकर अभी ऑन कर दिया हम लोग, तो टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7, वहाँ पे 7 है, ठीक है, एक जगह पे 6 लगा हुआ है, एक जगह पे 7 हम लोग का ये काम किया हुआ है टर्मिनेशन। और ये देख सकते हैं ये ड्रेसिंग कितनी मस्त हुई है, अभी इसमें पावर है, पावर 3 फेज पावर है इसमें, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। सो गाइस ये देख सकते हैं अभी हम लोग 4 बजे हम लोग का छुट्टी हो गया, लेकिन देखो अभी तक हम लोग रूम पे नहीं पहुंचे, अभी मालूम टाइम कितना हो रहा है, देख सकते हैं इधर 5:21 हो रहा है, और छुट्टी हम लोग का हो गया कितना बजे, 4 बजे, लेकिन अभी तक हम लोग पहुंचा नहीं, आज इतना रश है, इतना ट्रैफिक है, समझ नहीं आ रहा आज हुआ क्या इधर। और हम लोग का कंपनी का गाड़ी तो अभी बहुत पीछे है, तो अभी आया भी लेट क्योंकि इतना रश था, तो अभी जस्ट आदमी लोग को उठाया है, उठा के आ रहा है, अभी तो उसको आने में 7 बज जाएगा रूम पे पहुंचते, तो देख सकते हैं ये रियाद की ट्रैफिक है, रियाद में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, अभी आप रियाद से बाहर चले जाओगे ना, जैसे दम्माम हुआ, दम्माम थोड़ा ठीक ठाक है, जद्दा में थोड़ा जाम रहता है, वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, वहाँ पे रश का मसला है जद्दा में, लेकिन बाकी दम्माम अलकशीम ताइफ ये सब जगह पे ना, जो और थोड़ा सिटीज है, तो वहाँ पे सब इतना इशू नहीं है ट्रैफिक का, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये देखिए कितना ट्रैफिक है, हम लोग को 1.5 घंटा हो गया है इस ट्रैफिक में। और साहिद भाई की आज नमाज भी चली गई, देख सकते हैं साहिद भाई की आज नमाज भी चली गई,
सो गाइस अभी आदमी आएगा, बाद में खाना पकाएगा या नहाएगा या धुलेगा या बीवी बच्चे से बात करेगा, क्या करेगा आदमी कुछ समझ में नहीं आता है। जैसा कि अभी हमारे शाहिद भाई है, शाहिद भाई की मगरिब की नमाज छूट गई, क्यों ट्रैफिक की वजह से? किया जाए यार, लगता है आज होटल से ही खाना पड़ेगा हम लोग को खाना, है ना शाहिद भाई? आज होटल से ही खाना पड़ेगा ना, आज होटल से ही हम लोग को खाना। तो गाइस अभी इतना जाम था, इतना रश था इधर, तो ये हुआ कि हम लोग खाना तो बना नहीं पाएंगे। ये हुआ कि चलो ठीक है, ये इधर किंताकी है, किंताकी खाते हैं, KFC खाते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग KFC लेंगे, और KFC लेके फिर चलेंगे रूम पे, खा के सो जाएंगे, क्योंकि खाना तो बना नहीं पाएंगे। इतना ऑलरेडी अभी 7 के करीब होने वाला है, सॉरी 6 के करीब होने वाला है। इतना हम लोग ये वाला लिए हैं, बड़ा वाला, ये वाला जो 75 वाला था ना, ये हम लोग ले लिए, चल के अभी खाते हैं फिर। सो गाइस अभी हम लोग बैठे खाने के लिए। सो गाइस अभी जैसा कि ये आ गया हमारा KFC, ठीक है स्टार्ट करते हैं अभी, बिस्मिल्लाह करते हैं। शायद भाई को भूख ज़्यादा लगी हुई है काफ़ी, शायद भी भूख असल दोपहर में भी नहीं खाए थे, वो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है उनको। सो गाइस मस्त अलहमदिल्ला खाना पीना हो गया है, अल्लाह का लाख शुक्र है, थोड़ा सा बस भी गया है, शायद भाई है इंशाल्लाह वो पूरा कर देंगे, और हम लोग का तो फुल हो गया, राफिन भी फुल हो गया, मैं भी फुल हो गया, शायद भैया तो थोड़ा ये बचा हुआ है, मैं शायद भी ख़त्म कर दूँगा। ओ देखो बोले भागने के लिए। सो गाइस अभी हम लोग खाना पीना खा ली है, मस्त खा पी के अभी जा रहे हैं, ये बिल्कुल बताए कि पास्ता डिग्री, तो ये हुआ चलो पी के खा लेते हैं, तो खाओ के अभी हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। सो गाइस अभी की जैसा कि खाना पीना हो चुका है, तो अभी चल रहे हैं रूम पे, साहिद भाई भी काफ़ी फूल हो चुके हैं बोल रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रूम पे, लेकिन अभी भी रूम पे भी जाने के लिए ना हम लोग को कम से कम आधा घंटा लगेगा, जो कि यहाँ से कितना किलोमीटर है लोकेशन पे दिखा रहा है, लोकेशन पे दिखा रहा है सिर्फ 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर मुझे जाने में पूरा आधा घंटा लगेगा, क्योंकि इतना रश है ना, इतना रश है रियाद में ना, रियाद में चलने का मन ही नहीं करता है यार, कसम से यकीन मानो। टैक्सी अगर देखो, टैक्सी से जाओगे तो भी तो गाड़ी पे ही बैठे हो, तो टैक्सी में भी जाने का मन नहीं करता है। और एक यहाँ पे सिग्नल है, वो सिग्नल सिर्फ 5 सेकंड के लिए ओपन होता है और बंद होता है आधे घंटे के लिए, लेकिन देखो अभी वो रिया सीजन वाले लोग हैं, वो लोग जाने दे रहे हैं। सो गाइस अभी ये हम लोग बताई में आ गए हैं, बिल्कुल बताई की मार्केट में, और ये बिल्कुल बता है यहाँ से ना वो मक्का और उमरा की बस जाती है। सो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये मेन बता है, ये केरला मार्केट है इधर, ये केरला मार्केट वाला है, देख सकते हैं कितना रश है, और ये गोल्ड मार्केट है इधर, ये सारा पूरा गोल्ड मार्केट है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे ये मसाले वाला मार्केट है, इसके अंदर पूरा मसाला मिलता है। सो गाइस यहाँ पे ना वो सामने जो बस है ना, वो बस और एक मिनी वैन है, काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हो गया, देख सकते हैं वो मिनी और जो बस है ना, जो मिनी बस है वो बड़ा वाला बस के अंदर घुस गया है, देख सकते हैं एक्सीडेंट, देख सकते हैं ये पूरा घुस चुका है अंदर। सो गाइस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी सिग्नल ग्रीन हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये बस, ये देखिए ये छोट मिनी बस बड़ा वाला बस के अंदर देखिए घुस गया है, देखिए ये देखिए, ये देखिए पूरा घुस चुका है अंदर। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ रूम पे, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, शुक्रिया, बाय। सो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये बिलाल है ना, ये रोता रहता है, जैसे छोटा बच्चा रोता है ना जब टॉफी चाहिए, तो ये ऐसा रोता है, ये देखो अभी रो रहा है, देखो रो रहा है, देखो 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 देखो।